छोटे पर्दे की दुनिया में रोजाना कोई ना कोई हंगामा मचा ही रहता है। आज भी टीवी के गलियारों में काफी कुछ चल रहा है। आज शिल्पा शिंदे के लुक ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। वहीं अल्पना बुच ने अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाकर फैंस को चौंका दिया। राजीव अदतिया ने पहली बार अपनी मुंह बोली बहन शमिता शेट्टी और राकेश बापट के ब्रेकअप के बारे में चुप्पी तोड़ी। इतना ही नहीं, अंजलि अरोड़ा ने इस बात का खुलासा किया कि वो अब भी मुनव्वर फारूकी की दोस्त को भुला नहीं पाई है। बॉलीवुड की और भी खबरें हम आप तक शेयर करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें हमारा जंगल वाला न्यू ब्लॉग आ चुका है, जिसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्दी से जाकर चेकआउट करें, सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फैंस, इस हफ्ते रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना रविवार विद स्टार परिवार के फिनाले का हिस्सा बनने वाले हैं। इस बात का सबूत रविवार विद स्टार परिवार का प्रोमो है। इस प्रोमो में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना धमाकेदार परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। वहीं शिल्पा शिंदे इस बार झलक दिखला जा 10 में अप्सरा बनकर डांस करने वाली है। लेटेस्ट वीडियो में शिल्पा शिंदे श्रीदेवी के लुक में कैमरे के आगे पोज देती नजर आ रही है। शिल्पा शिंदे के इस अंदाज ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। वहीं सोशल मीडिया पर अल्पना बुच का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अल्पना बुच हॉट वेव बनकर डांस करती नजर आ रही हैं। अल्पना बुच का ये वीडियो रविवार विद स्टार परिवार का है। राजीव अदतिया ने राकेश और शमिता के ब्रेकअप पर चुप्पी तोड़ दी है। अपनी मुंह बोली बहन के बारे में बात करते हुए बताया कि राकेश और शमिता ने अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की। लाख कोशिशों के बाद भी राकेश और शमिता का रिश्ता बच नहीं पाया। वहीं अंजलि अरोड़ा ने इस बात का खुलासा किया कि वो अब भी समझ नहीं पा रही हैं कि मुनव्वर फारूकी और उनकी दोस्ती क्यों टूट गई। एक इंटरव्यू में अंजलि अरोड़ा ने बताया कि वो आज भी मुनव्वर फारूकी के साथ दोस्ती रखना चाहती हैं। मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए अंजलि अरोड़ा इमोशनल हो गई। तो सीरियल गुमे किसी के प्यार में हाल ही में 8 साल का लीप दिखाया गया, जिसे लेकर शो की काकू यानी किशोर शाहणे ने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में बातों बातों में ही किशोरी ने बताया कि चाणक के परिवार में 8 साल बाद भी सब साथ रहेंगे, लेकिन सबके रिश्ते पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पर शुभांगी अत्रे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस वक्त उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा था, उस वक्त उनकी बेटी महज 11 महीने की थी, लेकिन वो अपनी बेटी को पुणे में छोड़कर मुंबई आ गई थी। वहीं जब उन्हें भाभी जी घर पर है का ऑफर मिला तो उनके पति ने काम करने से उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी और ना ही किसी पर ध्यान दिया। और इस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर सोनाली फोगाट की हत्या है। जी हां, सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन हुआ था, ऐसी खबरें आई थी, लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही हर कोई सहम गया। हाल ही में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो बिग बॉस 14 के स्टार की हत्या बताई जा रही है। जी हां, उनके चेहरे पर चोट के निशान देखे गए, जिसके बाद सोनाली की बेटी ने कहा कि मां को न्याय मिलना चाहिए। इनके अलावा एकता कपूर के धमाकेदार शो नागिन 6 में जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है। जनरेशन लीप के बाद तेजस्वी प्रकाश शो में प्रथा की बेटी प्रार्थना का किरदार अदा करती नजर आएंगी। जनरेशन लीप से जुड़ा उनका लुक भी वायरल हो रहा है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। इनके अलावा अमनदीप सिद्धू और प्रतीक जायसवाल का लुक भी रिलीज हो चुका है। और अब हम सबकी चहेती शहनाज गिल का वीडियो भी कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शहनाज गिल ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वो झरने के नीचे बैठकर सुकून के पल बिताती नजर आई थी। इस वीडियो में शहनाज गिल भी उनके साथ दिखाई दिए थे। एक्ट्रेस के इस वीडियो को लेकर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं। इससे पहले शहनाज गिल गाना गाती भी नजर आई थी। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अंकिता लोखंडे का आता है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने शादी के कुछ समय बाद पहली रसोई की रस्म निभाई थी। इस दौरान अंकिता लोखंडे नाइट ड्रेस पहनकर पहली रसोई का खाना बनाती दिखाई दी थी। अंकिता लोखंडे ने अपनी ससुराल में सबसे पहले हलवा बनाया था। इनके अलावा श्रद्धा आर्या, कुंडली भाग्य स्टार श्रद्धा आर्या ने शादी के बाद एक वीडियो फैंस के साथ शेयर की थी। इस वीडियो में श्रद्धा आर्या रसोई में हलवा बनाती नजर आई थी। वहीं मौनी रॉय ने अपनी पहली रसोई की रस्म में पूरा खाना बना डाला। जी हाँ, फोटो में मौनी रॉय लड्डू बनाती दिख रही हैं और पूरा पूरा लंच भी तैयार करती हैं। यानी मौनी रॉय इस लिस्ट में सबसे बड़ी संस्कारी बहू निकली हैं।
इनके अलावा नीति टेलर ने भी शादी के बाद पहली रसोई में हलवा बनाया था। नीति टेलर ने इस दौरान कैमरे के आगे जमकर पोज भी दिए थे। और करिश्मा तन्ना भी शादी कर चुकी हैं। शादी के बाद करिश्मा तन्ना ने अपने पति को हलवा बनाकर खिलाया था। फोटोज में करिश्मा तन्ना हलवा थामे नजर आ रही थी। इनके अलावा शिरनी मिर्जा, यह है मोहब्बत स्टार शिरनी मिर्जा ने भी शादी के बाद पहली बार पूरा खाना बनाया था। इस तस्वीर में शिरनी मिर्जा सब्जी बनाती नजर आ रही थी। श्वेता अग्रवाल ने अपनी सास की मदद से पहली रसोई की रस्म निभाई थी। इस दौरान श्वेता अग्रवाल ने भी हलवा बनाया था। फिलहाल आप इन नई नवेली बहुओं में सबसे ज्यादा संस्कारी बहू किसे मानते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशनशिप काफी वक्त तक चला था और हर किसी की नजरों में था। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से मिले धोखे के बाद अंकिता टूट गई थी। उन्हें विकी जैन में अपना पार्टनर मिला और 2021 में अंकिता लोखंडे ने विकी से शादी कर ली। वहीं रुवीना दिलैक को उनके को स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेव से धोखा मिला था। इसके बाद रुवीना दिलैक ने अभिनव शुक्ला को अपना हम सफर बना लिया है और आज भी ये जोड़ी सुर्खियों में रहती है। वहीं सना खान को कोरियोग्राफर मेलविन लुइस से धोखा मिला था, जिसके बाद एक्ट्रेस बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन बाद में उन्हें मुफ्ती अनस सैयद के रूप में अपना हम सफर मिला। वहीं शादी के बाद आज एक्टर शाही जिंदगी जी रही है। इनके अलावा नेहा कक्कर, जो अपने ब्रेकअप को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं, नेहा कक्कर को एक्टर हिमांश कोहली से धोखा मिला था, जिसके बाद वो टेलीविजन पर भी रोई थी और हर कोई नेहा कक्कर के ब्रेकअप की खबर सुनकर शॉक रह गया था। लेकिन इस धोखे के बाद रोहन प्रीत सिंह उनकी जिंदगी में प्यार की किरण लेकर आए और उनके साथ नेहा कक्कर ने घर भी बसा लिया। वहीं एक्ट्रेस काम्या पंजाबी को एक्टर करण पटेल से धोखा मिला था, जिसके बाद काम्या ने वंटी नेगी से शादी की। हालांकि इनकी शादी भी सफल नहीं हो पाई, लेकिन शलभ डांग एक्ट्रेस की जिंदगी में दोबारा प्यार की उम्मीद लेकर आए थे। और अनीता हसनदानी को एक्टर अज़ाज खान से धोखा मिला था, लेकिन रोहित रेड्डी से प्यार होने के बाद अनीता ने तुरंत घर बसा लिया था। एक्ट्रेस गौहर खान और कुशाल टंडन की जोड़ी बिग बॉस में बनी थी, लेकिन शो से बाहर होते ही दोनों अलग हो गए थे। वहीं जयस दरबार गौहर खान की जिंदगी में प्यार का बहार लेकर आए। दोनों शादी के बाद खुशी रह रहे हैं। इनके अलावा दिव्यांग त्रिपाठी ने करीब 8 सालों तक शरद मल्होत्रा को डेट किया था, लेकिन उनसे मिले धोखे ने दिव्यांका को पूरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि विवेक दहिया से मुलाकात के बाद दिव्यांका की किस्मत दोबारा चमकी। दोनों अब खुशी शादी के बाद जिंदगी बिता रहे हैं।